आपको ये बताने के लिए, खबर गर्म है के अंदर आज कौन सी न्यूज है। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, बताने के पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि सन टीवी जो है, हमने 3 दिन पहले कहा था, 3 ट्रेडिंग सेशन पहले, और वहाँ से लेके अभी तक जो है स्टॉक पे स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने मिली है। 10% से ज़्यादा का जो है उछाल देखने मिला है। और ऑफकोर्स इस स्टॉक पे जो एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है, जो नंबर्स देखने मिले Q1 में, IPL नंबर्स का इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि साउथ में जो मूवी है ट्रेलर, उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने मिल रही है, ब्रोकरेजेस का मानना है। लेकिन आज फोकस करते हैं, और आज हमारी जो बात हुई है डीलर से, यहाँ पे कैश बाजार से जो है स्टॉक आई है, हालांकि लो वॉल्यूम वाली स्टॉक है, लेकिन असाई इंडिया ग्लास फोकस में रहने वाला है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी निफ्टी 500 इंडेक्स में है, और यहाँ पे कुछ काउंटर्स में HNI बाइंग देखने मिल रही है। और हमने जो है थोड़ी सी चैनल चेक किया, पता चला कि जो वॉल्यूम्स है वो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स अपने 20 दिन के एवरेज में आ गई है। और आने हुए जो सप्लाई चेन इश्यूज है वो अब थोड़े नॉर्मलाइज हो रही है, और यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स जो आती है उसमें भी इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है मार्जिन्स में भी एक टर्न अराउंड देखने मिला था, और फर्स्ट क्वार्टर जो रीसेंट नंबर्स आए थे 3 क्वार्टर के डाउन परफॉर्मेंस के बाद, अब एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है ऑटो सेगमेंट में। और ये कंपनी अगर बात करें तो आज जो है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और ये कंपनी भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि कंपनी का 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है ऑटोमोटिव ग्लास सेगमेंट में है, तो इस स्टॉक को भी अपने आप रडार में रखिएगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये शेयर बताने के लिए। असाही इंडिया 8% शेयर ऊपर है। राजेश सर जरा चेक करके बताएंगे और चलेगा, 8% चल गया, ऑटो एंसिलरी है तो देखिए स्टॉक में एक 4 वीक का करेक्शन के बाद स्टॉक ने ये वीक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी इंकरेजिंग है। स्टॉक अब अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब क्लोज करते हुए दिख रहा है ये वीक की। हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे हुआ है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे मोमेंटम 585 इमीडिएट टारगेट हमें जो लगता है आते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने लोअर साइड पे लिया उन्हें अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 540 पे ले आना चाहिए, और ये 540 के ऊपर बना रहा तो 585 के आसपास इसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, असाही ग्लास को लेकर ये व्यू, 8% ऊपर ये शेयर है। हम देख रहे हैं कि